أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Second year commerce This chapter belongs to a federal board and the chapter name is consignment Today we will discuss about the consignment its basic concept and the remaining things that are the part of that chapter As per the topic of this chapter We have to cover the first is basic concept of consignment. The second important terms and conditions or term ends concept which is used in the consignment. And after that, the difference between goods consigned and goods sold. ये हमारे पास वो टॉपिक हैं जिनके बारे में हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. Let's start with the consignment concept is our first topic that we have to discuss. The very first definition that comes in front of us is an act of sending the goods by the consignor or principal to his consignee or agent who agreed to collect, store and sell them on their risk and behalf of the owner of commission base yahan par do cheeze hain hamare paas consignor aur principal yani consignor ka jo dusra naam hai wo principal hai aur uske sath sath consignee aur as a agent uske sath kaam karne wala yani consignee ko hum represent kar sakte hain as a agent ab basically kya hai act of sending goods yani cheeze bechi ja rahi hain principal ki janib se kisko agent ko who agree to collect जो इस बात पे एग्री कर रहा है कि वो उसको रिसीव करेगा इसको स्टोर करेगा और उसके बाद सेल करेगा जिसके अलावा जो जो चीज़ें रिस्क है उसके अलावा और जो ओनर ऑन कमीशन बेसिस यानी जो चीज़ें उसके पास आ रही हैं ऑन द कमीशन बेसिस वो रिसीव करके उनको सेल करेगा उसके साथ से जब हम बात करते हैं तो हमारे पास है कंसाइनर और प्रिंसिपल इसको आसान अल्फाज में कहते हैं इज द ओनर मैन्युफैक्चरर और होलसेलर हु सेंड हिज गुड्स फॉर सेल यानी प्रिंसिपल की बात आ गई जिसके दरमियान में एक्ट हो रहा है यानी जिसने सामान बेचा है या भेजा है इसको अपने एजेंट के पास वो प्रेजेंट करेगा एज ए कंसाइनर और प्रिंसिपल और जब हम बात करते हैं कंसाइनी की तो कंसाइनी का मतलब ये हो गया कंसाइनी और एजेंट इज अ पर्सन टू होम द गुड्स आर सेंड यानी वो शख्स जिसको चीजें भेजी जा रही हैं यानी एक शख्स मैन्युफैक्चर कर रहा है एक जिसको तैयार कर रहा है और एक शख्स जिसके हवाले कर रहा है कि जो उसको मार्केट में सेल आउट करेगा हम उसको नाम देंगे कंसाइनी और एजेंट का इसके बाद हम बात करते हैं कंसाइनमेंट एंड सेल्स के बारे में अब दो मुख्तलिफ चीजें हैं जिनके बारे में हम इनकी डेफिनेशन समझते हैं कि इनके डिफरेंस को कैसे याद रखा जाए कि कंसाइनमेंट क्या है और सेल का क्या मतलब है जब सबसे पहली चीज हम देखते हैं कंसाइनमेंट और सेल के अंदर वो क्या आती है कि कंसाइनमेंट ये कहता है कि ओनर ऑफ द गुड्स विद द कंसाइनर अंटिल द कंसाइनी सेल देम टू द थर्ड पार्टी यानी ओनरशिप जो है वो गुड्स की किसके पास है कंसाइनर के पास जब तक कंसाइनी या वो एजेंट जो है उसको किसी थर्ड पार्टी को सेल आउट ना कर दे जबकि उसके मुकाबले जब हम सेल्स की बात करते हैं तो सेल्स में कहते हैं ओनरशिप ऑफ गुड्स इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द बायर टू द सेलर इमीडिएटली अपॉन सेल यानी जैसे ही एक्ट ऑफ सेल कंप्लीट होगा तो उस गुड्स की जो ओनरशिप है वो ट्रांसफर हो जाएगी बायर से सेलर की जानिब एक दूसरा डिफरेंस द कंसाइनर एंड कंसाइनी हैव अ प्रिंसिपल एजेंट रिलेशन यानी कंसाइनर एज ए वर्क कर रहा है प्रिंसिपल के और कंसाइनी एज ए वर्क कर रहा है एजेंट के यानी प्रिंसिपल के बिहाफ पर एजेंट का जो रिलेशन है वो तैयार हो रहा है कि प्रिंसिपल ने जो चीज़ें भेजी हैं एजेंट उसको सेल कर रहा है उस पर कमीशन अर्न कर रहा है जबकि हम सेल्स की जब बात करते हैं हम ये देखते हैं कि द बायर एंड सेलर हैज़ अ क्रेडिटर एंड डेबिटर रिलेशन यानी उधार पे चीज़ें ली हैं या उधार पे चीज़ें खरीदी हैं या बेची हैं तो दोनों सूरतों में उसका रिलेशन बनेगा कि पैसे देने क्योंकि हमने ऊपर वाली चीज़ में देखा कि ओनरशिप ऑफ गुड्स ट्रांसफर फ्रॉम बायर टू द सेलर इमीडिएटली अपॉन सेल इसके बाद एक और डिफरेंस हमारे पास जो आता है वो द कंसाइनी कैन रिटर्न ऑल अनसोल्ड गुड्स टू द कंसाइनर यानी जो एजेंट रिप्रेजेंट किया है एजेंट बाकी बचने वाली चीजें यानी जो चीजें नहीं बेची जा सकी उनको कंसाइनर के हवाले या प्रिंसिपल के हवाले वापस कर सकता है जबकि सेल के मुकाबले में क्या है ओनरशिप गेट ट्रांसफर अपॉन द सेल सो द बायर कैन नॉट रिटर्न गुड्स अनलेस द सेलर एग्रीज
यानी अगर जब तक कोई डिफेक्ट ना हो जाए तो उस सूरत में उसको वापस दिया जा सकता है, उसके अलावा कोई चांस ऐसा नहीं है। हाँ, अगर सेलर जो है एग्री कर जाता है कि ओके कोई मसला नहीं, तुम मुझे वापस भेज दो, वो किसी और जरा से उसको भेज देगा, तो उस सूरत में ये गुड्स जो है वो रिटर्न होंगी, अदरवाइज गुड्स रिटर्न नहीं होंगी। उसके अलावा एक और डिफरेंस हमारे पास जो आता है वो क्या है कि एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द कंसाइनी आर बॉर्न बाय अ कंसाइनर अनलेस दे एग्री अदरवाइज, यानी एक्सपेंसेस के बारे में दोनों की म्यूचुअली एग्री होना जरूरी है, उसके बाद उसकी पेमेंट के बारे में बात की जाएगी। जबकि हम सेल्स की जब बात करते हैं, गुड्स वंस सोल्ड बिकम द बायर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द सेलर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी फर्दर एक्सपेंसेस, यानी जैसे ही डील कंप्लीट हुई और मुकम्मल हुई सेल की और जो एक्ट है वो कंप्लीट हुआ, तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बायर की खत्म हो जाती, यानी बायर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है वो किस तरह लेके जाता है, कैसे लेके जाएगा, अगर वो प्रॉपर नहीं रखेगा यकीन नुकसान उसका होगा। तो सेलर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी फर्दर एक्सपेंसिस, यानी उसको बेचने के बाद अब उसकी तमाम तर जितने भी अखराजात होंगे उनकी जिम्मेदारी किस पे होगी, बायर के ऊपर, सेलर का इससे कोई कंसर्न नहीं है। जबकि कंसाइनी के अंदर जो है वो इस बारे में डिस्कस किया जा सकता है और जो कंसाइनर है वो इस बात पे एग्री करेगा तो ही मामला को आगे बढ़ाया जा सकेगा। नाउ वी हैव टू डिस्कस द कॉन्सेप्ट दैट इज यूज इन कंसाइनमेंट द नोन एज अकाउंट सेल्स, यानी अकाउंट सेल्स का कॉन्सेप्ट हमारे पास डेवलप होता है। जब हम डेफिनेशन की बात करते हैं तो हम देखते हैं इट इज द स्टेटमेंट प्रिपेयर एंड सेंड बाय द कंसाइनी यानी एजेंट टू द कंसाइनर, किसको भेजेगा, प्रिंसिपल को, एट पीरियोडिकल इंटरवल अप्राइजिंग हिम टू द गुड्स सोल्ड, सेल प्रोसीड्स, एक्सपेंसेस इनकर्ड, कमीशन पेबल एंड द नेट अमाउंट ड्यू टू द कंसाइनर, यानी नेट्स अकाउंट सेल का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो कंसाइनी सेंड करता है किसको, कंसाइनर को, कि यार देखो ये सामान बेचा जा चुका है, इतने की सेल प्रोसीड हो चुकी है, इतने के एक्सपेंसेस उस पर कवर हो चुके हैं, और उसको तमाम तर मामलात में जो उसका कमीशन बनाया है वो कितना पेबल है, और उसके बाद अगर उसने कोई एडवांस वगैरह दिया हुआ है तो उसके बाद जो नेट अमाउंट की इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी डिस्कस की जाती है। अकाउंट सेल्स की जो इंफॉर्मेशन है वो हमेशा रिप्रेजेंट की जाती है कंसाइनी की तरफ से कंसाइनर को, क्यों, क्योंकि कंसाइनर ने जब सामान भेज दिया कंसाइनी को तो बाकी के जितने भी मामले हैं वो सारे के सारे कौन डील करेगा, वो डील करेगा कंसाइनी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं, जब हमने डिस्कस किया अकाउंट सेल्स के बारे में, तो अकाउंट सेल्स का जो फॉर्मेट हमारे पास है जिसमें तमाम तर प्रोसीडिंग के बारे में वो बता रहा है तो उसको किस तरह रिकॉर्ड किया जाएगा उसके बारे में देखते हैं। जब हम सामान सेल्स की रिकॉर्डिंग करते हैं, सेल्स के अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं, जो सबसे पहली चीज हमारे पास आती है वो सेल्स की वैल्यू आती है कि जो चीजें हमें रिसीव हुई सेल्स की सूरत में वो कितनी है। उसके बाद हम हमेशा बात करते हैं उसमें होने वाले खर्चों की, यानी वी ऑलवेज लेस एक्सपेंसेस। सबसे पहली चीज हमारे पास जो फ्रेट चार्जेस आता है यानी ट्रांसपोर्टेशन जो खर्चे होते हैं उन सब के बारे में बात की जाती है कि उसका कितना खर्चा हुआ। उसके बाद उस सामान को लाने तक या आप तक पहुंचने तक जो इंश्योरेंस अदा की गई वो क्या बनी। उसके बाद हमारे पास स्टोरेज एंड कस्टडी यानी वो तमाम तर मामलात जिसमें हमने ये बात की कि कहाँ स्टोर किया, स्टोर वेयर हाउस वगैरह का जो भी है और कस्टडी के अंदर जितना खर्चा हुआ वो सारा का सारा आ गया। उसके बाद हम बात करते हैं एडवर्टीजमेंट, यानी यहाँ पर सामान पहुँचने के बाद एडवर्टीजमेंट पर्पज पे हमारा क्या खर्चा हुआ, क्योंकि ये भी लोगों को बताना पड़ता है कि हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें कितनी कितनी क्वांटिटी में अवेलेबल है। उसके बाद हम बात करते हैं ब्रोकरेज की, यानी किसी और पार्टी से बात कर ली जाए जो कि कमीशन बेस्ड काम कर रहा हो। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कमीशन की, यानी एज ए एजेंट जब हम खुद काम कर रहे हैं तो हमारा कमीशन कितना होगा उसके बारे में। हम इन तमाम तरह एक्सपेंसेस जो हमने यहाँ लिखे हैं इसको इनर कॉलम में इस्तेमाल करते हैं, इनर कॉलम में इस्तेमाल करने के बाद उसका टोटल हम बाहर यूज करते हैं और उसको माइनस करते हैं अपनी सेल्स अकाउंट से। जब सेल अकाउंट से माइनस करते हैं तो हमारे पास एक वैल्यू बाकी बचती है और उसमें से हम हमेशा क्या करते हैं, लेस करते हैं एडवांस पेमेंट को जो हमारे पास रिसीव हो चुकी है। जब इस बैलेंस अमाउंट में से इस एडवांस को माइनस कर दिया जाता है तो जो अमाउंट हमारे पास बाकी बचती है दैट इज नोन एज बैंक ड्राफ्ट इनक्लोज फॉर दी बैलेंस, यानी तमाम तरह इन्फॉर्मेशन हमारे पास रिकॉर्ड हो जाती है। अगर हम इस फॉर्मेट को देखते हैं तो हमें थोड़ा सा याद आता है कि ये इससे मुतल्लिक है, इस तरह की एक चीज़
जिसे हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्कस किया था, यानी अपनी सेल्स में से जब हम अपने एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं तो उसके बाद पोजीशन जो हमारे पास आती है वो बचती है। और अगर हमारे पास एक्सपेंसेस हैं, एडवांसेस की सूरत में पैसा आ चुका है, तो जब हम उसको माइनस कर देते हैं रिमेनिंग अमाउंट कंसिडर एज कि बैंक ड्राफ्ट इतने का हमें चाहिए कि जो कंसाइनर है वो इतने का बैंक ड्राफ्ट बनाकर कंसाइनर के हवाले करे या उसकी पेमेंट करे। नेक्स्ट हमारे पास जो आती है वो चीज़ इन्फॉर्मेशन है अबाउट द कमीशन, और कमीशन की जो डेफिनेशन हमारे पास आती है वो कुछ इस तरीके से है, कमीशन इज अ फी पेड टू द सेल्स पर्सन इन एक्सचेंज फॉर सर्विसेज इन फैसिलिटेटिंग और कंप्लीटिंग अ सेल ट्रांजैक्शन। द कमीशन मे बी स्ट्रक्चर्ड एज अ फ्लैट फी और एज अ परसेंटेज ऑफ द रेवेन्यू क्रॉस मार्जिन और अ प्रॉफिट जनरेटेड फॉर द सेल। यानी कमीशन हमारे पास जो है वो फी पेड है किसको, सेल पर्सन को इन एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज। ये फ्लैट भी हो सकता है, एज ए परसेंटेज भी हो सकता है, एज ए ग्रॉस मार्जिन भी हो सकता है, और फ्रॉम द प्रॉफिट जनरेटेड फॉर द सेल्स पॉइंट ऑफ व्यू उस पर भी कमीशन हो सकता है। मे ऑल्सो बी चार्ज बाय द ब्रोकर टू असिस्ट इन द सेल्स ऑफ सिक्योरिटीज प्रॉपर्टीज एंड सो फर्दर। यानी कमीशन बेसिकली क्या है, चार्ज कर सकता है ब्रोकरेज सर्विसेज को या असिस्ट करने के लिए सेल्स प्रोसेस को। उसके अलावा कमीशन इज जनरली कैलकुलेटेड एट द रेट और परसेंट ऑन द ग्रॉस प्रोसीड ऑफ दी सेल। यानी जितने की सेल हुई है, यहाँ नहीं होगा जितने की प्रोडक्ट नहीं, जितने की सेल हुई है उस पर परसेंटेज को अप्लाई किया जाएगा और जो अमाउंट कंसिडर किया जाएगा उसको रिकॉर्ड किया जाएगा एज ए कमीशन के। नाउ नेक्स्ट मूव टू डेल क्रेडिट कमीशन। डेल क्रेडिट कमीशन की जब हम बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि डेल कमीशन इज एन एक्स्ट्रा कमीशन अलाउड टू द कंसाइनी ऑन इज गारंटी फॉर द रियलाइजेशन ऑफ द गुड्स ऑफ द डेट्स इन फुल इन कनेक्शन विद द क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स ऑन द कंसाइनमेंट। फर्दर क्या कहता है कि गुड्स मे बी सोल्ड बाय द कंसाइनी आइदर फॉर कैश और ऑन क्रेडिट। व्हेन दे आर सोल्ड ऑन क्रेडिट द कंसाइनी मे गारंटी दैट दे विल बी ड्यूली पेड फॉर एंड दैट ही विल बी लायबल टू इंश्योर द कंसाइनर फॉर ऑल बैड डेट्स। इन सच केस the consignor pay the consignee an extra commission. Just remember, an extra commission for his guarantee. The extra commission is called Del Credit Commission. Yani ek aisa commission jisme consignee yani agent jo hai apne consignor ko assure kar de ki yaar tumhara bad debt ka koi scene nahi hoga, मैं जिम्मेदार हूं उस चीज की रिकवरी करने पे। तो ऐसी सूरत में जब consignor जो है यानी principal जो है एक्स्ट्रा कमीशन दे अपने कंसाइनी को, दैट वन इज नोन एज डेल क्रेडिट कमीशन। नेक्स्ट द कॉन्सेप्ट यूज इन कंसाइनमेंट इज प्रोफार्मा। प्रोफार्मा इनवाइस, प्रो का मतलब मींस इनिशियली जो हम इनिशिएट करते हैं। एज पर द डेफिनेशन ऑफ प्रोफार्मा इनवाइस, व्हेन द कंसाइनर सेंड द गुड्स टू द कंसाइनी ही फॉरवर्ड अ स्टेटमेंट शोइंग अ पर्टिकुलर सच एज क्वान्टिटी क्वालिटी प्राइज ऑफ गुड्स एक्स्ट्रा। यानी एक ऐसी चीज, एक ऐसी इनवाइस जिसमें कंसाइनर जो है कंसाइनी को फॉरवर्ड कर रहा है किस चीज को, स्टेटमेंट शोइंग पर्टिकुलर सच एज क्वान्टिटी क्वालिटी प्राइज एंड द गुड्स। उसके बाद क्या कहते हैं, दिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड द प्रो फॉर्मा इनवॉइस। बट इन केस ऑफ रेगुलर सेल एंड इनवॉइस इज प्रीपेड एंड सेंड अलॉन्ग विद द गुड्स इट इंप्लाइज That a sales has taken place. यानी ये proforma invoice का जो concept है ये उस वक्त ही है जब इसको consignment use किया जाए। Otherwise एक normal sale होने की सूरत में हम regular sale की सूरत में invoice generate करते हैं। क्यों? क्योंकि हम तमाम चीज़ों को deal कर चुके हैं, यानी quantity, quality और price के बारे में discuss कर चुके होते हैं, तो हमें उस सूरत में proforma invoice की जरूरत नहीं। Next as a concept is valuation of unsold stock. यानी हम अनसोल्ड स्टॉक की वैल्यूएशन कर लें कि उसकी ओरिजिनल वैल्यू क्या है, ताकि मामलात को समझना और आसान हो जाए या स्टेटमेंट का बनाना और आसान हो जाए। डेफिनेशन की जब हम बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि द वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक लाइंग विद द कंसाइनी एट द टाइम ऑफ फाइनल क्लोजिंग ऑफ द अकाउंट ऑफ कंसाइनर इज जनरली मेड एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस व्हिच एवर इज लेस। खास खास ख्याल रखना है, जनरली मेड एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस, यानी मार्केट प्राइस कॉस्ट पे बनाया जाएगा या फिर मार्केट प्राइस बनाया जाएगा जो भी इसमें कम होगा। उसके बाद क्या कह रहे हैं, ऑल द एक्सपेंसेस इनकर्ड टू मूव द गुड्स फ्रॉम द कंसाइनर्स प्रीमिसेस टू द प्रीमिसेस ऑफ कंसाइनी शुड बी इंक्लूडेड।
expenses which are incurred up to the movement of goods are received into the godown of consignee are treated as a part of the cost. क्योंकि जब कंसाइनर के पास से कोई चीज कंसाइनी को मूव होगी तो वो कॉस्ट का हिस्सा बनेगी. बट एक्सपेंसेस इंकर्ड आफ्टर द गुड्स हैव बीन पुट इनटू द गोडाउन शुड नॉट बी इंक्लूडेड इनटू द कॉस्ट बिकॉज सच एक्सपेंसेस डू नॉट इंक्रीज द वैल्यू ऑफ गुड्स. यानी जब कंसाइनी के पास पहुंच जाए और वहां से कुछ मामला चले या वहां से शिफ्टिंग हो तो दैट एक्सपेंसेस इज नॉट अ पार्ट ऑफ दैट प्रोडक्ट और दैट नॉट पार्ट ऑफ दैट स्टॉक. उसके साथ साथ कह रहे हैं कि वो आपको कि एक्सपेन ऑफ सच एक्सपेंसेस आर गोडाउन रेंट, इंश्योरेंस गोडाउन, एडवर्टाइजमेंट, सैलरीज ऑफ सेल पर्सन एक्सेट्रा. इट डज नॉट मैटर हु पे दी एक्सपेंसेस, कंसाइनर और कंसाइनी. यानी जब तक कि चीजें कंसाइनर की कस्टडी में है, कंसाइनर की प्रेमिसेस में और वो कंसाइनी के प्रेमिसेस में या अपने कंसाइनी के गोडाउन तक शिफ्ट ना हो जाए, उस वक्त तक के मामला जो हैं उसकी डीलिंग जो है वो कॉस्ट का हिस्सा बनेगी या वो एक्सपेंसेस इसका पार्ट होंगे. लेकिन जैसे ही वो कंसाइनी के पास शिफ्ट हो जाए उसके बाद कंसाइनी जो भी खर्चा कर रहा है दैट वन इज नॉट इंक्लूड इन दी पार्ट ऑफ कॉस्ट या उस प्रोडक्ट की कॉस्ट में वो चीज़ शामिल नहीं होगी. अब ये एक अलग मैटर है कि कौन इस एक्सपेंसेस को बेयर करेगा. जैसा कि हमने शुरू में देखा कि इफ बोथ एग्री then there is a chance कि consignor जो है वो इस चीज की opportunity ले ले कि मैं पे कर देता हूँ. अदरवाइज consignee के पास पहुंचने के बाद then the consignee is responsible to make payment and that one is not a part of the product cost. That's all for the today's tutorials or video. I hope कि with the help of this video you can understand KG what are the basic concept of consignment which is commonly used. और हमने उसमें डिफरेंट डेफिनेशन को भी डिस्कस कर लिया. नेक्स्ट पार्ट में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे इसके क्वेश्चन को जिसमें हम इसके मैटर्स को डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से सवाल हमारे पास आता है और हम उसको किस तरीके से जनरल की रिकॉर्डिंग में रिकॉर्ड करते हैं. थैंक यू वेरी मच.